हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं कोई सिलाई की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ टिप एंड ट्रिक्स जो सिलाई में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और छोटी छोटी अगर बातों का हम ध्यान दें तो सिलाई को हम काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो बस उसी पे मैं वीडियो लेके आई हूँ, और वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है सलवार अगर बना रहे हैं तो सलवार में किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल परफेक्ट बने, और किस तरह की बेल्ट पे चुन्नट हम लोग डालें कि वो काफ़ी मेजरमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और बेल्ट के हिसाब से हो, और उसके जो चुन्नट बन रही हैं वो काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी बराबर हो। ये सारी चीज़ों को, और पोचे कैसे लगते हैं, पोचे में सिकुड़न क्यों नहीं पड़ती है, ये सारी छोटी छोटी टिप्स हम बताएँगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है सलवार जिसका हमने बेल्ट बना लिया है, और नीचे की कलिया उसका स्क्वायर वाला पीस एक साथ सिल लिया है। अगर नहीं आपको ये भी चीज़ पूरी देखनी है सलवार का वीडियो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा सिल के बताऊंगी। मैं सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ कि किस तरह से हमें करना है कि हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत ना पड़े और चुन्नटें हमारी प्लेटें बिल्कुल बराबर हो के आएँ। तो इसके लिए सबसे पहले पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हम इस तरह से दो प्लेटें लगाएंगे, यानी दोनों के मुंह एक तरफ ही होने चाहिए। ये पीछे वाले हिस्से में हम निशान लगा के लगाएं, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और जब हम सेंटर में करेंगे तो इसके बाद से ये एक्स्ट्रा पीस दोनों तरफ से आप देख रहे हैं वो इतना इतना निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें पिनअप कर देना है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास चुन्नट के लिए कितना कपड़ा बच रहा है। ये देखिए, जब हमने यहाँ पे पिनअप कर दिया तो हमारा ये एरिया यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा हमारा निकल के आ गया, जिससे ही हमें ये पता चलता है कि हमें चुन्नट इतने कपड़े में लगानी है इस तरफ, और इस तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। हम पहले पीछे वाले हिस्से और जो हमारा कली वाला हिस्सा है, ऊपर प्लेट वाला हिस्सा है, उसमें पिनअप कर देंगे, और फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसको हम इस तरह से ले लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें कितने पार्ट में चुन्नट बनानी है, और बीच वाला एरिया पे भी हमें पिनअप कर देना है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और चुन्नट बनाने में आगे पीछे ना हो। ये हम इस तरह से चुन्नट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे एक बेस्ट तरीका है, मैं आपको ट्रिक बताऊँगी इसका चुन्नट डालने का। तो ये पहले पीछे वाला एरिया हम सिल लेंगे जो मैं हमने दो प्लेटें डाली थी। अब हम आते हैं आगे वाले एरिया पे, तो किस तरह से प्लेटें डालनी है। तो सबसे पहले हम बीच से स्टार्ट करेंगे एक तरफ की चुन्नट बनाना। तो हमें इस तरह से प्लेट लेनी है, और अपनी जो हमारी उंगली है, उंगली का जो फर्स्ट वाला लाइनिंग है उसको उतना ही हमें गहराई लेना है, और उतना ही गहराई लेते हुए प्लेट बनाना है। यानी इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, मैं एक उंगली से नाप के एक फोर जितना होता है उतना अंदर डाल रही हूँ, और इसके बाद से उसको प्लेट बना दे रही हूँ। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका प्लेट बिल्कुल बराबर बनेगा, और कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बराबर बराबर बनते जाएगा, बिल्कुल एक बराबर, और सुंदर भी दिखेगा। तो इस तरह से हमें करते हुए प्लेटें बनाने लेनी है। तो ये है छोटा सा ट्रिक्स जो हमें फॉलो अगर करते हैं तो हमारी प्लेटें काफ़ी सुंदर बनेगी और ज़्यादा घनी दिखेंगी। तो ये हो गया पहला ट्रिक्स। तो इसी तरह से हम सेम बाकी चीज़ें भी सिल लेंगे जब हमारी चुन्नटें बन जाती हैं। तो पीछे वाला एरिया सिलते हुए फिर से हम दूसरी तरफ से आ जाएंगे। तो ये जहाँ देखिए हमने पिनअप किया था, डिवाइड हो गया था यहाँ से हिस्सा। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ भी हम उसी तरह से प्लेटें डालते जाएंगे नाप नाप के, अपनी उंगली की पोर से ही नापेंगे। इसमें कोई लाइनिंग, कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, और हमारी चुन्नटें बिल्कुल परफेक्ट होके आएंगी, और कम कपड़े में ही ज़्यादा चुन्नटें बन जाएंगी। तो सलवार का आप पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी चुन्नट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको टॉप सिलाई देंगे। टॉप सिलाई देने से ये होता है कि हमारी सिलाई बैठ जाती है अच्छे से। तो इस तरह से हम अंदर से कपड़ा, अंदर का जो कपड़ा सिलाई वाला कपड़ा है इसको ऊपर कर देंगे, और इसके बाद से हम सिलाई चला देंगे। तो टॉप सिलाई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर इसके बाद से हम चलते हैं बॉटम की तरफ। तो बॉटम में जो हम पोंछे बनाते हैं, तो पोंछे में क्या होता है कि अक्सर ही सिकुड़न आ जाती है, चुन्नटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से पोंछे देखने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसके लिए ट्रिक ये है
कि आप सबसे पहले बुकरम का जो कपड़ा है हमारा, या तो इसे प्रेस से कपड़े से चिपका दीजिए, कपड़े में चिपका दीजिए, या तो आप एक हिस्से को इस तरह से सिल लीजिए और दूसरे वाले हिस्से को हम पोंछे पे रख के और इस तरह से सिलाई चला देंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि बुकरम पे सिलाई ना चले, क्योंकि बुकरम पे हमें सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो पार्ट हमने कपड़ा छोड़ा है सिलाई के लिए उसी पे सिलाई करनी है। उसके बाद से अंदर से इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए और बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगाते जाइए। देखिए, एक तरफ से हमने सिलाई कर भी ली और फिर उसको दिखाते ऊपर से कैसे करनी है। तो ऊपर वाले हिस्से पे भी इसी तरह से हम बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई चलाते जाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पे मोटी सिलाई पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद से फाइनल सिलाई चलाइएगा। तो अगर बिगिनर्स नहीं है तो आप आराम से सिलाई यहाँ पे चला सकते हैं, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है। बिल्कुल चुन्नट नहीं पड़ेगा, सिकुड़न नहीं आएगी पोंछे में, और एकदम सुंदर सा देखिए बन के तैयार हो जाएगा पोंछा आपका। बिल्कुल लगेगा कि टेलर से सिलवाया गया है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसे ध्यान दे के हम अपनी सिलाई को बिल्कुल फिनिशिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं इस तरह से। मैंने तो बिल्कुल सिंपल दिखाया है, क्योंकि सिलाई बिगिनर्स के लिए है तो सिंपल ही दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, अगर आपकी सिलाई परफेक्ट हो जाए तो आप बना सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका, अब हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो आप सबने देखा कि किस तरह से हमने किया, चुन्नट वगैरह डाली और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है अगर हम इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा सलवार बन के तैयार हो गया है। छोटी छोटी बस बातों का ध्यान देना है और अच्छे से हो जाएगा। बिगिनर्स काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि किसी किसी को नहीं करने आता है, चुन्नट नहीं देने आती है, प्लेट्स नहीं देने आती हैं, बेल्ट नहीं लगाने आता है। पोंछे जब लगाते हैं तो उसमें सिकुड़न पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बस ध्यान रखना है। और ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो सलवार भी हमारी बन के एकदम से रेडी है पहनने के लिए, ये देखिए। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जरूर प्रेस किया करते हैं। आने वाले मेरे नए वीडियो सबसे पहले पहुंचते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।